Hey guys, welcome to Shush Beauty Style. Those who are new, hi, I am Shushmita और मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, मेकअप रिव्यूज, हॉल एंड मेनी मोर. सो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज मैं ब्लॉग शूट करने वाली हूँ और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है. मैं और मेरी फैमिली घूमने जा रहे थे तो सोचा कि क्यों ना ट्रैवल ब्लॉग शूट कर लूँ. ओके सॉरी गाइज, बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ है क्योंकि मेरे घर के पास कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसलिए नॉइज़ है, उसे इग्नोर कर देना. अच्छा, तो मैं और मेरी फैमिली घूमने जा रहे हैं. हम जाएंगे कोलकाता और गैंगटॉक जाएंगे. मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और ये ट्रेवल ब्लॉग का मैं 10 टू 11 डेज के लिए जाने वाली हूँ. तो ये होगा कि डे वन वीडियो आज तो ट्रेवल में ही निकल जाएगा. आज कोलकाता जाएंगे, शाम को फ्लाइट है अगरतला टू कोलकाता. फ्लाइट जो टाइम है वो है 5:45 को. तो अभी बज रही है 11:30. तो अभी मैं नहा के थोड़ा सा पैकिंग भी बाकी है वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ. सो गाइज, आई एम बैक. मैं नहा लिया और मेरा जो कपड़ा था वो भी मैंने पैकिंग कर लिया है. अब मैं फटाफट से रेडी होंगी, तो अब मिलती हूँ मैं रेडी होने के बाद. सो गाइज, मैंने अभी ड्रेस पहन लिया, अभी फटाफट से मेकअप कर लेती हूँ. मेरा स्क्रीन मॉइस्चराइज मैंने पहले ही कर लिया, अभी यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का सनस्क्रीन. मैं लुक बहुत ही सिंपल रखूंगी इसलिए मैं कोई भी फाउंडेशन या बीबी क्रीम यूज नहीं कर रही हूँ. अभी मैं ब्लू हेवन की लूज पाउडर यूज करूंगी. अभी मैं ये वाली आईशेडो हिलरी उड़ा की आईशेडो यूज करूंगी. इसी से मैं ब्लश, आईब्रोज जो भी है सारा कुछ इसी से हो जाएगा, इसी से मैं कर लूंगी. ये वाली जो डार्क ब्राउन कलर है इसे मैं आईब्रोज कर ले. आईब्रोज मैंने फिल कर लिया, अभी ब्लश लगा लेती हूँ. इसी से जो ऑरेंज शिमर शेड है ये वाली मैं एज ए ब्लश यूज कर रही हूँ. मेकअप मैंने कंप्लीट कर लिया, बहुत बेसिक सा लुक किया है. अभी मैं हेयर कर लेती हूँ. हेयर अभी भी थोड़ी सी गीला है तो मैं बस सीरम यूज़ कर लेती हूँ. इलेवन वाली सीरम यूज़ करूँगी. सिंपल सी पॉलिटिल बन रही है ये वाली जेंट्स पहन लेती हूँ. आई एम रेडी गाइस. बहुत बेसिक सा मेकअप किया है, ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, जस्ट टचअप किया है. और ये बेसिक सा कैजुअल टी शर्ट और जीन्स पहना है और ये हुक्स माई फेवरेट हुक्स. बहुत सिंपल सा ये लुक है और ये मेरी फेवरेट वॉच है. मेरा सारा कुछ पैक हो चुका है, अभी हम वेट कर रहे हैं गाड़ी के लिए. गाड़ी आएंगी तो हम लोग निकल जाएंगे, 3 बजे तक हम लोग निकल जाएंगे. हमारे घर से जो एयरपोर्ट है वो जाने में 40 to 50 minutes लगते हैं. तो अब मैं मिलती हूँ, हमारी गाड़ी आने वाली है, तो बाद में आपसे मिलती हूँ. अभी हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, अभी अंदर जा रहे हैं. चलिए पूरा एयरपोर्ट घूमते हैं, हमारे पास बहुत सारा टाइम है, देखते हैं. टाइम तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों. बहुत अच्छा है.
बहुत अच्छी अच्छी फोटो। चलिए अब हम फोटो खींचते, फोटो मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करूँगी, आप लोग देख लेना। अभी हम वेट कर रहे हैं फ्लाइट के लिए। ये मेरा छोटा भाई है। नहीं 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 नहीं, ये छोटा भाई है, दिखने में बड़ा है लेकिन तो अभी हम वेट कर रहे हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। हमें फ्लाइट को फ्लाइट है लेकिन अभी 4:45 एक घंटा। उधर फोटोज बहुत अच्छी आती है। ये वाली जो एयरपोर्ट है ना वो न्यू है, पुराना वाला था, ये न्यू वाला है। इसका काम अभी भी चल रहा है, कुछ काम बाकी है, चल रहा है। बहुत ही सुंदर है, पिछले वाली से ये वाला बहुत ज़्यादा सुंदर है। उधर कुछ काम है शायद, उधर कुछ है, हम देखते हैं। देयर ब्यूटीफुल सी, फिर पौधे लग रहे हैं। ना वेट करना पड़ रहा है, बहुत टाइम है, हम बहुत पहले आ गए थे और एक घंटा वेट करना पड़ेगा। बाहर भी गई है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर तो ये मेरा लुक कैसा लगा मुझे बताना। ये मेरा एयरपोर्ट लुक है, बहुत सिंपल सा, बेसिक सा है, कोई भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट लगता है। अच्छा मैं ना, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो मुझे तो नर्वसनेस है और मुझे सर्दी भी है तो गला भी ख़राब है तो मेरा साउंड कुछ अजीब लग सकता है और मुझे ना बहुत नर्वस है, बस शाइनेस हो रहे हैं। मैं ऐसे फ़ोन पकड़ के बात कर रही हूँ, लोग मुझे ऐसे भूल रहे हैं, लगता है मैं ना जाने क्या कर रही हूँ। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को सपोर्ट करना। बाय बाय, आ चुके हैं मास्क पहन के। क्या है, क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं, ऐसे ही बात कर रही हूँ। लोग ना मुझे ऐसे देख रहे हैं, लाइक मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे मोबाइल पकड़ के बेशर्म की तरह, बहुत शर्म आ रही है। लेकिन क्या करूँ, ब्लॉग शूट करना तो पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मिस्टेक वगैरह हो जाए तो उसे इग्नोर कर देना प्लीज, कमेंट कर देना। हाँ, इसने बोला तो कमेंट भी कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। और क्या करेंगे, इधर आ जाओ, कुछ बोलो, ये मेरा ब्लॉग है, कुछ भी बोल दो, हिंदी में नहीं बोलना होता तो बंगाली में कुछ भी बोलवा। इधर मैं म्यूजिक डाल दूंगी, दे देना। हाँ दे देना, बात नहीं करनी पड़ेगी। ओ तेरी, हम फ्लाइट में आ चुके हैं, मुझे विंडो सीट मिला, मम्मा पापा उधर है, मम्मी और पापा सेल्फी, वो दोनों अपने में मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं, लेट देम हैप्पी। बाद में दिखाती हूँ मम्मी पापा को, वो अपने अपने में मस्त है, हम दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं। बहुत शोर है, हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। और कुछ बोलना है? हाय। मम्मी ने हाय बोला। मम्मी कितनी खूबसूरत लग रही है ना इस वाली ड्रेस पे,
चलो नीचे कितना खूबसूरत है ना, ये वाली एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है। क्या है, क्या बोलूँ? आज फर्स्ट टाइम है ना, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को। एक धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो धीरे धीरे मैं भी अच्छे अच्छे बोलूँगी। अभी तो इससे कम चला लो। पापा फोटो खींच रहे हैं, अपने अपने में मस्त है, वो एंजॉय कर रहे हैं। कितना खूबसूरत है। हम अभी हम बहुत जल्दी जल्दी निकल जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा फ्लाइट वैसे ही लेट हो चुका है, फ्लाइट का जो टाइम है वो डिले हो चुका है, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी निकल जा रहे हैं। अभी हम सीधा जाएंगे होटल पर। पहुंच चुके हैं और हमें रिसीव करने आए मेरी चाचू और चाची। मैं आपको उनसे मिलाती हूँ, मैं रूम टू डिलूंगी बाद में दूंगी, अभी मैं उनसे मिलाती हूँ। तो ये है मेरी चाचू, हाय बोल दो, हिंदी में हिंदी में मेरा चैनल हिंदी में बोलूंगी। ये मेरे छोटे चाचू है और मैं चाची से मिलाती हूँ। हाय, ये है मेरी छोटी चाची, अभी थोड़ी सी फ्रेश हो जाओ फिर मैं रूम टू दूंगी। तो मैंने ना ब्लॉग एंड करना भूल गई थी तो इसलिए सोचा मैं ब्लॉग एंड कर लूँ। तो हमारा डिनर हो चुका है, अभी हम होटल के रूम पर आ चुके हैं। हम यहाँ पर एक दिन ही रुकेंगे, आज की रात ही सिर्फ रुकेंगे, कल हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे, हमारी ट्रेन है तो हम स्टेशन के पास ही रुके हुए हैं। मैं आपको एक बार इस रूम की टूर करा देती हूँ। डोर के ठीक अपोजिट साइड पर है ये वाला वार्डरोब, फिर इधर जाके ये मिरर, और ये एक सिंगल बेड है और एक डबल बेड भी है, और उधर बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग है और ये वाला बहुत खूबसूरत है, ये वाला पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। दो और है, मैं दिखाती हूँ, ये दोनों भी है। ये है पूरी रूम, इधर वॉशरूम, ये मिरर पर। तो ये थी रूम टूर और ये मेरा था ये फर्स्ट ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा और कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए तो प्लीज़ उसे एडिट कर देना। आप तो जानते हो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो थोड़ी सी इधर उधर होगा, तो उसे एडिट कर देना, ताकि आप मिलती हो मेरे नेक्स्ट वीडियो पर जो मैं कल ब्लॉग शूट करूँगी, और ये वाली जो वीडियो है बहुत जल्दी आ जाएगी। तो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।